तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि 7 साल बाद शुरू हुई शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 26,001 पदों पर होगी यहाँ पर बहाली। चलिए देख लेते हैं क्या यहाँ पर खबर सामने निकल कर आ रही है। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 7 वर्ष बाद फिर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। इसे लेकर कार्मिक विभाग ने JSSC को यहाँ पर अधियाचना भेजी है। इसमें कहा गया है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य संवर्ग में नियुक्ति प्रक्रिया की प्रक्रिया शुरू की जाए। विद्यालयों में कुल यहाँ पर 26,001 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में ये कहा गया है कि नियुक्ति की कार्रवाई झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रणोति नियमावली के तहत ही होगी। अधियाचित पद JSSC की किसी परीक्षा संचालन नियमावली के तहत नहीं आएगी। विभाग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को लेकर आरक्षण रोस्टर भी JSSC को भेजा गया है। अगले माह JSSC द्वारा नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी किए जाने की संभावना है। राज्य में 7 वर्ष बाद प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इससे पूर्व 2015 में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। 13,132 पद गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए JSSC को भेजी गई अधियाचना के अनुसार 26,001 पद में से 12,869 पद झारखंड शिक्षा परियोजना के परिषद के अंतर्गत कार्यरत पारा शिक्षक संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित है, जबकि 13,132 पद गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए है। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के लिए 11,000 और मध्य विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के लिए 15,001 शिक्षकों की नियुक्ति यहां पर होनी है। सरकार ने सृजित किए 50,000 पद। राज्य प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित हैं। प्रथम चरण में 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद शेष पदों पर नियुक्ति होगी। दूसरे चरण की नियुक्ति के पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की तैयारी है। पात्रता परीक्षा के बाद दूसरे चरण की नियुक्ति होगी। 1,00,000 अभ्यर्थियों को मिलेगा अवसर। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी शामिल होंगे। राज्य में अब तक 2 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। प्रथम परीक्षा वर्ष 2013 में और दूसरी 2016 में हुई थी। दोनों परीक्षा मिलाकर लगभग एक लाख अभ्यर्थी हैं। इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर यहां पर दिया जाएगा, जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छी खबर है। बाकी देखते हैं इसको लेकर हमें क्या और डिटेल डेटा सामने यहां पर मिलने वाला है। जोहार।